हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए व्यूवर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम यशवर्धन प्रजापति है। मैं त्रिपुरा के सिपाहीजाला डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 3 साल पहले की है। मेरा घर खेतों के बीच में है, तो रात के वक्त वहां पर हर तरफ सन्नाटा ही रहता है। एक रात मैं अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। फिर सोते हुए रात के करीब 3 बजे के आसपास अचानक मेरी आंख खुल गई, तो मैंने देखा कि एक काला साया मेरे बेहद ही पास खड़ा था। वो देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से घर के अंदर चला गया। फिर उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई, लेकिन फिर होश आया। मुझे हर रात दिखाई देने लगा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आता था, बस दूर खड़ा मुझे घूरता रहता था। उसके खौफ की वजह से मैंने घर के बाहर सोना भी बंद कर दिया था। उस टाइम वहाँ पर बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बेहद गर्मी में मैं उस साए के डर की वजह से कमरे के अंदर सोता था। लेकिन कमरे में जब भी मेरी नज़र खिड़की से बाहर जाती, तो बाहर मुझे वही साया खड़ा दिखाई देता, जिस वजह से मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और धीरे धीरे मेरी हालत खराब होने लगी थी। फिर एक रात मैं खेतों के बीच से होता हुआ मेरे घर जा रहा था, तभी अचानक एक औरत वहां पर आ गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। दिखने में वो औरत बेहद ही खूबसूरत थी। मैं उससे कुछ पूछता, तभी वो बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, मैंने तो तुम्हें आज पहली बार देखा है। तो वो औरत बोली कि मैं यक्षिणी हूँ, हर रात जिस साये को तुम अपने आसपास देखते हो वो मैं ही हूँ। वो सुन के मैं बहुत डर गया और जल्दी से वहां से भागकर मेरे घर के अंदर चला गया। लेकिन जब मैं मेरे कमरे में पहुंचा, तो वो औरत मेरे बेड पर बैठी हुई थी और फिर वो यक्षिणी मेरे करीब आ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर पता नहीं उसने मेरे साथ क्या किया कि फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। जब सुबह मेरी आंख खुली, तो मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और मुझे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर लग रहा था। साथ ही मेरी गर्दन पर तेज दर्द हो रहा था, तो मैं उठकर शीशे के सामने गया, तो मैंने देखा मेरी गर्दन पर काटने का निशान था। दरअसल मेरी गर्दन पर दो छोटे छेद थे, जैसे कि सांप के काटने पर बनते हैं। पूरे दिन मैं डरा सहमा घर के एक कोने पर पड़ा रहा, लेकिन रात होते ही वापस वो यक्षिणी मेरे सामने आ गई और मुझे अपने साथ बेड पर ले गई। अगले दिन जब मैं उठा, तो मैं पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब ठीक वैसा ही काटने का निशान मेरे हाथ पर बना हुआ था। अब वो यक्षिणी हर रात मेरे सामने आ जाती और मेरे साथ सेक्स करके मेरा खून पीती और गायब हो जाती। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से दुबला पतला और कमजोर पड़ चुका था। मैंने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन मेरे अंकल मुझसे मिलने मेरे घर पर आए और जब उन्होंने मेरी ऐसी हालत देखी, तो वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताने को कहा, तो मैंने रोते हुए
उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अंकल भी सत्ते में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि तू पागल है, तुझे पहले ही दिन ये सारी बात मुझे फोन करके बता देनी चाहिए थी। लेकिन तू परेशान मत हो, मैं तुझे उस यच्छड़ी से छुटकारा दिलाने में तेरी पूरी मदद करूंगा। फिर इतना कहकर अंकल घर से चले गए। और फिर करीब 2 घंटे बाद अंकल एक मौलवी को घर पर लेकर आए, तो मौलवी ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और फिर कुछ मंत्र पढ़कर उसने मेरे ऊपर फूंक मारी और फिर अंकल से कुछ सामान लाने को कहा। अंकल वो सामान लेकर आए तो मौलवी ने झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया और फिर कई घंटों तक उसने मेरे घर पर झाड़ फूंक किया और फिर एक बोतल में पानी भरकर उसमें उसने आयतें डाली और हर दिन रात होने से पहले मुझे वो पानी पीने के लिए कहा। फिर मौलवी ने मेरे गले में एक ताबीज पहनाया और कहा कि इसे कभी मत उतारना। फिर मैंने उस मौलवी से कहा कि बाबा, अब वो यछड़ी मेरे पास नहीं आएगी ना। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब वो तुम्हारे घर के पास भी नहीं आएगी। फिर उस मौलवी ने बताया कि यछड़ी को जो भी इंसान पसंद आ जाता है तो वो हर रात उसके साथ संभोग करके उसका खून पीती है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वो यछड़ी उस इंसान के शरीर का सारा खून चूस नहीं लेती। और फिर उस इंसान की मौत होते ही यछड़ी अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। मौलवी ने बताया कि यछड़ियाँ काम वासना से भरपूर होती हैं और इन्हें इंसानी खून बहुत पसंद होता है। ये हमेशा किसी तगड़े और जवान मर्द की तलाश करती हैं ताकि उस इंसान के जरिए ये अपनी दोनों इच्छाओं को पूरी कर सकें। मौलवी की बातें सुनकर मेरे और अंकल के रोंगटे खड़े हो गए। फिर अंकल ने कहा, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। फिर मौलवी को लेकर अंकल घर से चले गए और फिर रात होने के बाद भी वो यछड़ी मेरे सामने नहीं आई। और उस दिन बहुत दिनों बाद मुझे ठीक से नींद आई। उस रात सपने में मुझे वो यछड़ी दिखाई दी। वो बेहद ही भयानक रूप में थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी और चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे। वो गुस्से से घुराते हुए मुझे वो ताबीज मेरी गर्दन से निकालकर फेंक देने को बोल रही थी। लेकिन तभी मेरी आंख खुल गई और फिर कभी वैसा सपना मुझे नहीं आया और ना ही इन 3 सालों में फिर कभी दोबारा मेरा उस यक्षिणी से सामना हुआ। और भगवान करे कि कभी भी मेरा उस यक्षिणी से सामना ना हो। तो दोस्तों, ये थी यशवर्धन प्रजापति जी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम प्रतीक गायकवाड़ है। मैं असम के हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाना चाहता हूँ। दरअसल ये बात करीब 7-8 साल पहले की है। उस दिन मैं अपने घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक देव हिल नाम की जगह पर कुछ जरूरी काम से गया हुआ था। वहां से लौटने में मुझे रात काफी हो गई थी। उस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। मैं बाइक को तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर जब मैं तकरीबन आधा रास्ता पार कर चुका था तो मुझे रास्ते पर एक आदमी दिखा जो हाथ का इशारा देकर मुझे रुकने को बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगी।
तो मैं बाइक उसके सामने रोकने ही वाला था, मगर तभी मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उस आदमी के पैर ही नहीं थे, उसका आधा कटा हुआ धड़ हवा में ही टंगा हुआ था। वो देख के मैं बहुत डर गया और बाइक रोके बिना तेजी से आगे निकल गया। मगर आगे जाते ही जैसे ही मैंने बाइक के साइड मिरर में देखा तो वो प्रेत अपने आधे कटे हुए धड़ के साथ हवा में तैरता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। मैं बहुत डर गया और अपने इष्ट देवता का नाम लेने लगा। फिर कुछ दूर जाकर जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो अब वो प्रेत मेरे पीछे नहीं था। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और सीधा अपने घर पहुंचा। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर जहां पर मुझे वो प्रेत दिखाई दिया था, ठीक उसी जगह पर बहुत साल पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस आदमी का शरीर बीच से पूरा अलग हो गया था। तभी से उस आदमी का प्रेत अपने आधे शरीर के साथ वहां पर भटकता रहता है और रात में आने जाने वाले लोगों का पीछा करके उन्हें मार डालता है और उनके शरीर को अपने ही तरह बीच से काटकर अलग अलग कर देता है। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे विश्वास हो गया कि उस रात मेरी जान मेरे इष्ट देवता ने ही बचाई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम क्रांति है। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 3 साल पहले की है, जब किसी काम से मुझे शहर जाना था। वैसे मैं आपको बताना ही भूल गया कि मैं गांव में रहता हूँ और मेरे पिताजी पेशे से एक किसान हैं, तो मैं भी खेती में उनका हाथ बटाता हूँ। खैर, उस दिन मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना था और मैं शहर तक का सफर बस से करना चाहता था, मगर मेरे पापा ने कहा कि ट्रेन से ही चला जा, तो मुझे ट्रेन से जाना पड़ा। तकरीबन रात के 8:30 बजे तक स्टेशन पर मेरी ट्रेन आ गई। ट्रेन के आते ही मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ा और अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया और बैठने के साथ ही बाकी के सभी पैसेंजर्स भी अपनी अपनी बर्थ पर आकर बैठ गए, मगर मेरे सामने वाली सीट अभी भी खाली थी। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिर कौन इधर बैठेगा। मैं भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोई खूबसूरत सी लड़की आ जाए और वो मेरे सामने वाली बर्थ पर आकर बैठे। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा एक औरत आई और आकर मेरे सामने वाली बर्थ पर बैठ गई। उस औरत को देखकर मैं 2 पल के लिए उसे देखता ही रहा, क्योंकि वो औरत दिखने में तो बेहद ही खूबसूरत थी, मगर इसी के साथ वो काफ़ी अजीब थी। मेरा मतलब, उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल पूरे खुले हुए थे। साथ ही उसने अपने गले में एक मोटा लोहे का कंगन पहन रखा था और उसकी आंखें काफ़ी अजीब थी, जैसे कि उनमें कोई भाव ही ना हो। वो बस चुपचाप बैठी मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर कुछ देर तक तो मुझे सब ठीक लगा, मगर फिर उस औरत का लगातार मुझे घूरना मुझे परेशान करने लगा।
तो मैंने सोचा क्यों ना इससे बात की जाए। तो हिचकते हुए मैंने उस औरत से उसका नाम पूछा। मेरे पूछने पर पहले तो वो शांत रही, तो मैंने भी सोचा शायद ये बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगले ही पल वो औरत धीमी मगर भारी आवाज में बोली, अनामिका। उसका नाम सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, अनामिका बहुत अच्छा नाम है। मुझे लगा था मेरी बात सुनकर वो खुश होगी, मगर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो उठी और वहां से चली गई। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गई होगी, तो मैं भी चुपचाप इधर उधर देखने लगा। तो मैंने देखा बोगी में बैठे बाकी पैसेंजर्स मुझे ही देख रहे थे, और वो काफी अजीब ढंग से, जैसे कि वो मुझे पागल समझ रहे हों। खैर, मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपना फोन चलाने लगा। फोन चलाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटे बीत गए, और तब मेरा ध्यान मेरे सामने वाली बर्थ पर गया। तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि अभी तक वो औरत अपनी बर्थ पर वापस नहीं लौटी थी। मैंने परेशान होकर दूसरी बर्थ पर बैठे पैसेंजर से कहा कि वो औरत जो यहाँ पर बैठी थी वो अभी तक वापस नहीं लौटी। मेरी बात सुनकर वो आदमी पहले तो मुझे देखता ही रहा और फिर बोला, क्या बात कर रहे हो यार, कौन सी औरत, मैंने तो यहाँ पर किसी औरत को नहीं देखा। तो मैंने उससे कहा, नहीं भाई, अभी कुछ घंटे पहले तक तो वो औरत यहीं पर थी और मेरी उससे बात भी हुई थी, आपने जरूर उसे देखा होगा। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके गले में एक मोटा सा लोहे का कंगन डला हुआ था। मेरी बातें सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, देख भाई, मैंने इधर किसी औरत को नहीं देखा, और मुझे अच्छे से याद है कि स्टेशन से ही ये बर्थ खाली पड़ा है, इसीलिए अभी दोबारा मुझे परेशान मत करना। ये बोलकर वो आदमी लेट गया और सोने लगा। मैंने पहले तो सोचा कि बोगी में जाकर उस औरत को ढूंढूं, मगर मैं नहीं गया और रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैं भी चुपचाप अपनी बर्थ पर लेट गया और सोने लगा। फिर आधी रात तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। आंखें मीचते हुए मैंने सामने वाली बर्थ की तरफ देखा, तो देखा कि वो औरत ठीक उसी तरह बैठी मेरी तरफ देख रही थी, मगर इस बार कुछ अलग था। इस बार उस औरत के चेहरे पर हंसी थी, एक शैतानी हंसी, और उसकी गर्दन एक तरफ को झुकी हुई थी। रात के अंधेरे में वो इतनी भयानक लग रही थी कि पहली नज़र में उसे देखकर कुछ पल के लिए तो मेरी सांसें थम सी गई थी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैं उठा और बैठने के साथ उस औरत से बोला, उस वक्त आप कहाँ चली गई थी। मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी मैं एकदम शांत हो गया, क्योंकि मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वो औरत खून से लथपथ थी, मानो अभी अभी वो औरत खून से नहाकर आई थी। मैं अभी ये सब देख ही रहा था कि तभी वो औरत जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी, और इसी के साथ उसका चेहरा बेहद ही भयानक हो गया और उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह, और उसका चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अधजली लाश
मेरे सामने बैठी थी। वो खौफनाक दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और कपकपाते हुए मैंने दूसरी बर्थ पर सो रहे उस आदमी को आवाज़ दी, मगर वो मेरी बात सुन भी नहीं रहा था, मानो उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही ना दे रही हो। पूरी बोगी में उस औरत की सैदानी हंसी गूंज रही थी। मैं जैसे तैसे उठा और सो रहे बाकी पैसेंजर्स को जोर जोर से हिलाने लगा और उन्हें जगाने लगा, मगर ऐसा लग रहा था मानो सब घोड़े बेचकर सो रहे हों। उन्हें जगाते हुए ही मैंने ध्यान दिया, वो सभी लोग सांस भी नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर में जान ही ना हो। अब मैं समझ चुका था कि अब मेरी मौत तय है। सच बताऊं तो उस वक्त तक मैं जोर जोर से रोने लगा और उस औरत के सामने हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो औरत जोर जोर से गुर्राने लगी और अगले ही पल वो मेरे सामने आ गई। अब डर और खौफ से मेरा बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पल जान निकलने वाली है कि तभी एक झटके से उस औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और फिर वो मुझे घसीटते हुए बोगी के गेट के पास ले जाने लगी। वो देखकर मैं जोर जोर से चीखे मारने लगा, मगर मेरी चीखों का ना तो उस चुड़ैल पर कोई असर था और ना ही ट्रेन पर सो रहे बाकी पैसेंजर्स पर। बोगी के गेट के पास ले जाकर उसने मुझे गेट के बाहर ऊपर हवा में टांग दिया और जोर जोर से सैदानी हंसी हंसने लगी। वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं ये तो पहले ही समझ चुका था कि ये औरत कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई बुरी आत्मा है, मगर अब मेरी मौत मेरे सर पर मंडरा रही थी। और फिर तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मैं बोगी के गेट के पास बेसुध पड़ा था। मेरे आसपास बाकी के पैसेंजर्स खड़े थे जो बार बार पूछ रहे थे कि तेरे साथ क्या हुआ है, तू बेहोश कैसे हो गया। सभी के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर सभी हंसने लगे और कहने लगे कि मेरा दिमाग खराब है और मुझे इलाज की ज़रूरत है। सबकी बातें सुनकर मैं किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके थे और मेरा स्टेशन भी आ गया था। स्टेशन पर उतरने के साथ ही मैंने कसम खा ली कि फिर कभी मैं ट्रेन से सफ़र नहीं करूंगा। और शहर से लौटते हुए मैंने बस से सफ़र किया। खैर, कोई मेरी बातों पर यकीन करे या ना करे, पर मेरे साथ जो हुआ उसे मैं ही समझ सकता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि जब इंसान के साथ ऐसे हादसे होते हैं तभी वो इन पर यकीन करता है। खैर, गांव पहुँचते ही मैं एक पहुँचे हुए बाबा से मिला और उन्हें सारी बात बताने के बाद उनसे मुझे पता चला कि मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ वो छलावा था और इसमें मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना ये छलावे लोगों की जान भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम आयुष है
आज मैं आपको मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह बात तकरीबन 2-3 साल पहले की है। तब मैं 9th क्लास में था। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उससे मेरे घर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की थी। स्कूल जाने के लिए मैं सुबह लगभग 7:30 बजे घर से अपनी साइकिल से निकलता था और स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं कोचिंग पढ़ने के लिए मेरे कोचिंग टीचर के घर जाता था। उनका घर स्कूल से कुछ ही दूरी पर था। उन दिनों गर्मियों का वक्त था। जब रात तकरीबन 7 बजे मैं कोचिंग पढ़कर वापस घर जा रहा था, मुझे ठीक से तो याद नहीं पर शायद उस दिन अमावस की रात थी और चारों तरफ घना अंधेरा हो रखा था। इसीलिए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन की टॉर्च रास्ते पर दिखाते हुए एक हाथ से साइकिल चलाने लगा। ये मेरे लिए लगभग रोज का था। जब भी वापस घर लौटते हुए मुझे रात काफ़ी हो जाती थी तो अक्सर मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़कर उसकी फ्लैशलाइट से रास्ता देखते हुए एक हाथ से साइकिल चलाता था। लेकिन उस दिन रास्ते पर साइकिल चलाते हुए पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि मेरा साइकिल पर से संतुलन बिगड़ गया और मैं साइकिल के साथ रास्ते पर घिसटते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी ये आप समझ सकते हैं। मेरे कपड़े फट चुके थे और बुरी तरह से हाथ पैर छिल जाने की वजह से बेहद खून बह रहा था। खैर, जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाला और कराहते हुए अभी मैं उठकर खड़ा ही हुआ था कि तभी मेरी नज़र मुझसे तकरीबन 10 कदम की दूरी पर पड़ी, मेरी साइकिल पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहाँ खड़ा है जो हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुला रहा है। और फिर ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बेसुध होकर वो जो कोई भी था मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और फिर अचानक से वो साया बेहद ही तेज़ी से मेरी तरफ आया और अगले ही पल मैंने देखा वो साया मेरे अंदर समा गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तब मैंने खुद को जंगल झाड़ियों के बीच जमीन पर बेसुध पड़ा पाया और मैंने देखा मेरे हाथों में खून लगा हुआ था और कुछ मांस के लोथड़े मेरे चारों तरफ बिखरे पड़े थे। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरा ध्यान मेरे मुंह पर गया। मैंने देखा मेरे दांतों के बीच मांस के लोथड़े फंसे हुए थे। वो देखकर मुझे कुछ समझ तो नहीं आया लेकिन अजीब सा खौफ मेरे अंदर पसरा हुआ था, इतना कि डर के मारे मैं पसीने से तार तार हो चुका था। और फिर बिना वक्त गंवाए मैं वहाँ से भागा और जैसे तैसे रास्ता खोजते हुए मैं इंसानी बस्ती में आया और वहाँ मुझे खून से लथपथ देखकर लोगों ने मुझे संभाला और मुझे मेरे घर तक पहुँचाया। घर पर मैं रात में पहुँचा था तो घर पर सभी लोग बेहद परेशान हो रखे थे और मेरे घर पहुँचते ही मुझे खून से लथपथ देखकर मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और रोने बिलखने लगी। और फिर कुछ देर बाद जब माँ शांत हुई तो उन्होंने पापा को कॉल करके वापस घर आने को कहा और कहा कि आयुष घर आ चुका है, अब आप भी वापस आ जाइए।
माँ की बात सुनकर मैंने माँ से पूछा कि पापा कहाँ गए, तो माँ ने बताया कि जब तुम रात से घर नहीं आए तो परेशान होकर पापा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहे थे। माँ की बात सुनकर मैं भी रोते हुए माँ से लिपट गया और फिर मैंने माँ को पूरी बात बताई। मेरी बातें सुनकर माँ भी सत्ते में आ गई, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। खैर, आज उस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं और आज तक कभी दोबारा मेरा सामना ऐसी चीज़ों से नहीं हुआ। खैर, जो भी हो, मेरी जान बच गई और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम तरुण है, ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 14 साल पहले की है। मेरे दादाजी बताते हैं कि तब उनकी उम्र तकरीबन 56 साल की थी। जब हर रोज की तरह दादाजी अपने खेत में काम कर रहे थे, उन दिनों गर्मियों का वक्त था और खेत में गर्म लू के साथ कड़ी धूप भी हो रखी थी, तो खेत में काम करते हुए दादाजी बेहद थक चुके थे। तो वो आराम करने के लिए पास के आम के बगीचे में आ गए। दादाजी बताते हैं कि उस वक्त वहाँ आसपास पर कोई भी नहीं था। बेहद कड़ी धूप और गर्म हवा के चलने की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में थे। खैर, आगे दादाजी बताते हैं, जब वो आम के बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा आम के पेड़ों के नीचे पके हुए आम जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। वो देखकर दादाजी बहुत खुश हो गए और वो तेज़ी से उन आमों की तरफ बढ़े। लेकिन दादाजी बताते हैं कि जब वो उन आम के पेड़ों के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उन आम के पेड़ों से खून निकल रहा था। वो देखकर दादाजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि दादाजी कुछ समझ पाते, कि तभी एक झटके से किसी अदृश्य चीज़ ने दादाजी की गर्दन पकड़ ली और अगले ही पल उस अदृश्य चीज ने दादाजी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दोस्तों, उस वक्त दादाजी की क्या हालत थी वो आप समझ सकते हैं। झटके से जमीन पर गिरने की वजह से दादाजी का दायां हाथ टूट गया था और कराहते हुए दादाजी वहीं बेहोश हो गए। और फिर उसी शाम सूरज ढलने तक जब दादाजी घर नहीं आए तो घर पर सभी लोग परेशान होने लगे। और फिर दादाजी के छोटे भाई अनिल दादा दादाजी को ढूंढने घर से खेत के लिए निकले। अनिल दादा बताते हैं कि जब वो खेत पहुंचे तो वहां उन्हें दादाजी कहीं दिखाई नहीं दिए, तो उन्हें वहां ना पाकर वो वापस घर लौटने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र आम के बगीचे की तरफ गई और वहां उन्हें जमीन पर दादाजी का गमछा पड़ा दिखा। तो वो भागकर आम के बगीचे में पहुंच गए। अनिल दादा बताते हैं कि जब वो आम के बगीचे में पहुंचे तो उन्हें वहां दादाजी जमीन पर बेसुध पड़े मिले। वो देखकर अनिल दादा भागते हुए गांव पहुंचे और गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अनिल दादा दादाजी को घर लेकर आए। और फिर जब दादाजी को होश आया तो उन्होंने दर्द से कराहते हुए घर पर सभी को पूरी बात बताई। दादाजी की बात सुनकर परिवार के सभी लोग भी सकते में आ गए। तो दोस्तों, ये थी
मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।